सूरज की जो पहली किरण पड़ी ना, देखियो आप कितना क्या चमक रहा हो, बिल्कुल ब्राइट। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आदि उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल रात तो कहते हम होटल में, अभी सुबह उठ गए, करीब 4:30 बजे हैं मॉर्निंग के, और आरती करीब हो जाएगी 5 या 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है आरती। खैर मंदिर की घंटी तो बजने लगी है, नींद मेरी 4 बजे खुल गई थी, थोड़ी आलसपन की वजह से कुछ देर सोया रहा। अब ऐसे एक्चुअली क्या है कि फ्रेश होना है, टूथपेस्ट करना है, और नहाना हमने मंदिर में नीचे तप्त कुंड है, वहीं स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। सो चलते हैं और दिखाता हूँ आपको पूरा मंदिर का व्यू, अभी अंधेरा भी बहुत है बाहर। चलिए चलते हैं, हम भी तैयार होते हैं और निकलते हैं मंदिर की ओर। तो ये था हमारा होटल चांद कॉटेज, हम चल रहे हैं मंदिर की ओर, लेके चल रहा हूँ मैं आपको। मंदिर करीब होगा यहाँ से 200-300 मीटर दूर होगा मंदिर, अभी होटल से पैदल सारा सामान लेके हम लोग चल रहे हैं। स्नान हमने मंदिर में तप्त कुंड में करना है। ये पार्किंग है यहाँ पे और चारों ओर से है होटल, और बहुत सारे होटल हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं कि आप आओ और होटल ना मिले, लेकिन लाइट बहुत लो है यार अभी, इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा इधर लाइट का लोचा है, लेकिन आसमान तारे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, स्टार टेल बनाई जा सकती थी। ठंड के दिन होते ना तो उजाला देर में होता है, वरना अभी तक अगर हम लोग गर्मियों में आए होते तो उजाला जल्दी हो जाता, और ठंडा तो भाई साहब इतना विकट है अभी। सुबह जो पेस्ट किया है, फ्रेश हुए हैं, जो जहाँ जहाँ वो पानी गिर के गिरा है और जहाँ जहाँ उसने सुन किया है, अभी भी एहसास है उस चीज़ का। हाँ, धीरे धीरे मार्केट भी खुल रही है यहाँ की। मार्केट का बहुत सारे खाने के होटल है और प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर अलाव भी जलाई हुई है, लोग आग से गिरे। यह है देखिए सामने मंदिर मेरे, वो देखिए सामने दिखाई दे रहा है, वह मंदिर। हमने ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा मंदिर। देखो ये बाबा लोग ऐसे ही सोए रहते हैं यहाँ बाहर, इधर ठंडे में भी कम्बल अम्बल ओढ़ के सोए रहते हैं। जय भोलेनाथ, जय बद्रीनाथ। सब पुल के यहाँ प्रसाद मिलता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग सामने कह देंगे ये पुल और ये सामने ठीक मंदिर, जय बद्री विशाल। ठीक है, और ये बहरी है अलकनंदा, इसलिए कहते हैं पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर सुशोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विशंबरम। थोड़ा लो लाइट है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे ना तो फिर यहाँ लाइन पे रखना पड़ेगा, सब थोड़ी दिक्कत ही है। जल्दी उठो और स्नान करो तप्त कुंड में, और जल्दी दर्शन पालो, आरती भी स्टार्ट हो जाएगी तब तक। अब हम जाएंगे पहले तप्त कुंड, वहाँ करेंगे स्नान।
तो ये आगे हम लोग तब तो कुंड में, ठीक है। यहाँ देखो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, इधर बाहर धारा भी है उधर तब तो कुंड भी, सब देखते हैं। वेल सेट गो। और मैं जा रहा हूँ तप्त कुंड में स्नान करने के लिए। यह है तप्त कुंड, ये देखिए यह तप्त कुंड जिसमें है गर्म पानी पूरा, देखो ये पूरा तप्त कुंड है और सब लोग घुसे हुए और बहुत गर्म पानी है, बहुत ज्यादा गर्म पानी। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, सुबह बनाएगा मैं वीडियो। बहुत ज्यादा गर्म पानी है जो मजा आया ना, पानी तक गर्म है और देखो आप कितनी ज्यादा वेपर निकल रही है पानी से, बहुत ज्यादा गर्म है और लेकिन जो स्नान करने का मजा आया वो कुछ और ही है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मजा आ गया। हमने लिया प्रसाद, ये हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर की ओर। अब दिखाता हूँ आपको मंदिर, मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी होना है तो बाहरी बाहर के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पाँव हो गए साइलेंट मोड में चले गए पाँव, ठंडा बहुत है। यह पूरा मंदिर आपको सामने से दिखाते हैं पूरा व्यू। ये देखिए पूरा मंदिर का व्यू, वो देखिए सांप पर बर्फ का पूरा पहाड़। यह सामने बद्रीनाथ धाम, जो इंडिया के चार धामों में से एक है और उत्तराखंड के चार धामों में से भी एक है। जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसका स्थापना की गई थी, चार धामों में से एक बद्रीनाथ। ये आप जो पीछे देख रहे हैं नारायण पर्वत है, नारायण पर्वत में स्थित ये मंदिर ये स्थित है। और इधर देखिए आप, यह है नर पर्वत, इधर नर पर्वत है और इधर है नारायण पर्वत। ये दोनों पीक पे देखिए हल्की हल्की स्नोफॉल हुआ है कुछ दिन पहले, ठीक है। अब ये बीच में बह रही है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी बीच में बह रही है। जो नर थे वो नदी पार करके आ नहीं पाए तो उन्होंने नदी के उस पार 6 महीने तपस्या की थी, और जो नारायण जी थे उन्होंने नदी पार कर ली तो उन्होंने इधर तपस्या की 6 महीने। इसलिए 6 महीने जो पूजा होती है बद्रीनाथ जी की वो होती है नारायण पर्वत पे,
स्थित इस बद्रीनाथ धाम पे, और जो छह महीने अगली जो छह महीने पूजा होती है वो होती है नर पर्वत। नर पर्वत मतलब जोशीमठ में नरसिंह भगवान के मंदिर पर। ये मतलब इसकी एक कहानी है। अभी यहाँ पे कुछ दिन बाद करीब 17 नवंबर को से कपाट बंद रहेंगे। आज 24 अक्टूबर है। करते हैं पेट पूजा, ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ब्लॉग बड़ा बन जाता है। इसलिए मैं अभी बद्रीनाथ का ब्लॉग बना रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा टूर है वो है माणा गाँव का। फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में माणा गाँव दिखाऊँगा। तो चैनल में बने रहिए और सारे वीडियो देखिए और उत्तराखंड की खूबसूरती का मजा लीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग।